मैंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत ओथ लिया है, आई विल वर्क विदाउट फेवर एंड विदाउट फेयर एंड आई विल अपहोल्ड द सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया। दीज वर द वर्ड्स ऑन 28th of December 2021। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक टीम है, एक ग्रुप है डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में, जिनको एक नौजवान की आवाज़ नहीं पसंद है क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, जिनको इस नौजवान की आवाज़ पसंद नहीं है क्योंकि ये उस मजलूम तबके की तर्जमानी कर रहा है, रिप्रेजेंटेशन कर रहा है जिस मजलूम आवाम के पास आज सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, टेलीकम्युनिकेशन नहीं है, तिब्बी सहूलियात मैसर नहीं है, तालीमी इदारे बंद पड़े हैं। और ये आवाज़ जो है ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ चुकी है और इसी आवाज़ को दबाने के लिए एक ग्रुप तैयार हुआ है इस किश्तवाड़ में, जो चाहते हैं कि किसी भी तरह से शेख जफर की इमेज को मलाइंग करके इसको डिफेम किया जाए। और अभी तक वो कामयाब नहीं हुए, लेकिन इस कोशिश में वो जारी हैं, लगे हैं, और कल भी वही एक कोशिश थी, उसके अलावा कुछ नहीं। मैं डीवकॉम साहब से जब मिला, पूजा साहिबा हमारी चेयरपर्सन जो इस वक्त हैं DDC चेयरपर्सन, वो भी थी, हम टोटल 4 से 5 DDC मेंबर्स थे आउट ऑफ 14। और वहाँ पहले बात हुई थी कि हम वॉकआउट करेंगे, जब वहाँ अंदर गए, अंदर पूजा जी ने भी यही कहा कि हमें वॉकआउट, जफर भाई क्या हम वॉकआउट करेंगे? मैंने कहा ओके बिल्कुल वॉकआउट करने चाहिए। फिर वो बातों में लग गई, इश्यूज उठाने लगी, जब वॉकआउट करना है आप, जब डीवकॉम साहब ने ये कहा था कि हम देखेंगे लेकिन हम अभी इस पर कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं, ऑन द स्पॉट कोई ऑर्डर नहीं कर रहे हैं, उसी वक्त उन्होंने उठना था और मैं उनके साथ साथ, क्योंकि वो चेयरपर्सन, शी इज़ लीडिंग अस, और वो लीड करते करते, लीड करना क्या हुआ, आफ यू द, यू आर द फर्स्ट, आप चलो आगे, आप उठो ऊपर, आप बैठो नीचे, ये एक होता है कि इस तरह से लीड करना होता है, आप सिखाओगे हमें, आप बोलोगे हमें। लेकिन वो बाहर आकर क्या हुआ कि उन्हें लगा कि शायद शेख जफर चला गया, और एक मीडिया पर्सन जो ऑलरेडी उनके आगे पीछे घूमता रहता है, तो हमेशा से वो कोशिश करता है, उसके आप तमाम स्टोरीज देखेंगे तो हमेशा से आपको यही फील होगा कि ये मेरी आवाज़ के पीछे ही लगा है, और कुछ लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं और वो भी उन्हीं की सपोर्ट कर रहा है, ये एक वो तालमेल है उनके बीच में। अब जब पूजा जी बाहर आई तो कहने लगी कि शेख जफर भाई जो है वो नहीं उठे, और मैंने उनसे कहा था, अरे आपने कहना क्या था, आपने उठना था तो मैं उठ जाता, उसके बाद अगर मैं नहीं उठता तो आप ज़रूर कहती कि मतलब वो नहीं आया, देखो वो गलत कर रहा है अपने लोगों के साथ, मैंने वॉकआउट किया, नंबर वन। अच्छा जब वो वॉकआउट नहीं हुआ वॉकआउट, और दूसरी बात, मैंने वॉकआउट नहीं हुआ, उसके बाद जब हम सारे उठे, उसने फिर से रिक्वेस्ट की DC साहब को भी और डीवकॉम साहब को भी कि मैं क्या सर मैं यहाँ फिर से बैठ सकती हूँ, वॉकआउट की तो बात ही नहीं है, वो तो रिक्वेस्ट करने लगे कि फिर और मैं बैठना चाहती हूँ, और उनको डीवकॉम साहब ने बोला ओके आप बैठिए। हुआ क्या कि थोड़ी देर के बाद वो बाहर आई, मैं बाहर था, उनको नहीं मालूम था कि ये यहीं पर है, तो एक है सो कॉल्ड जर्नलिस्ट, वो आया वहाँ पर पूछने लगा, हाँ भाई क्या हुआ, तो मैं, उन्होंने कहा कि इस तरह हुआ, तो जर्नलिस्ट पूछता है कि क्या ये बात हुई कि चाइना के साथ मड़वा वड़वन को जोड़ा जाए, तो उन्होंने रिप्लाई में कहा हाँ जफर भाई ने कहा। ये मिस इंटरप्रिटेशन जो की जा रही है ना, ये सिंपली अल्फाज, जुबान उनकी थी, अल्फाज ये कहीं और से आते हैं, ये जहाँ ऑफिस आने से पहले या किसी मीटिंग में आने से पहले किसी बाबू से मिलकर आते हैं, उनसे राय लेते हैं कि हमने कैसे चलना है, और उनके बाबू को मेरी आवाज़ 3 साल से पसंद नहीं है, क्योंकि इनका एक बहुत बड़ा वोट बैंक था मड़वा वड़वन दक्षिण के इलाकों में, और मैंने उस वोट को एक ताकत और एक वैल्यू देने की कोशिश की जो इनको पसंद नहीं है। और यही बात है कि वो मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं। आज मैं दर्शकों को, अपने चाहने वालों को, और जिनके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए होंगे ये सुनकर कि मैंने ऐसा कहा, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये झूठ की एक मशीनरी है और कुछ भी नहीं है। मैंने डीवकॉम साहब से कहा, मैंने कहा सर दिस इज़ द 21st सेंचुरी,
वी आर द पार्ट ऑफ दिस स्टेट, वी आर द पार्ट ऑफ दिस यूनियन टेरिटरी। और मैंने उनसे ये कहा, क्या सर हम, क्या हम सर चाइना के हैं जो आप हमें इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं? वी आर नॉट द सेकंड क्लास सिटीजन्स, वी आर द फर्स्ट क्लास सिटीजन्स, दाउ वी आर द विक्टिम्स ऑफ द थर्ड क्लास गवर्नेंस, बट हम इस वक्त पहले दर्जे के शहरी हैं और हमें बिजली से क्यों महरूम रखा गया है? मोर देन 58 विलेजेस आर विदाउट इलेक्ट्रिसिटी इन सब डिवीजन मड़वा। कौन उसकी बात करेगा फिर? जब भी बात करेंगे इनको बुरा लगता है, जब भी मड़वा में तरक्की की बात आएगी तो इनको बुरा लगता है। ये चाहते हैं कि मड़वा में कोई तरक्की ना हो, करप्शन हो, ताकि इनके घर चलें। इसीलिए इनको पसंद नहीं मेरी आवाज़, इसीलिए इनको पसंद नहीं मेरा इनको एक्सपोज करना। और मैंने डीमका सबसे ये कहा, मैंने कहा सर इतने सारे जब डैम बने, डैम जब बनते हैं आप उस वक्त फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं देखते? हमारी सड़क का फॉरेस्ट क्लियरेंस क्यों नहीं मिल रहा हमें? हम लोग कब तक मतलब सिंथन और मरगन को खोलने की बातें करेंगे? सर सिंथन क्यों नहीं खोलते आप? क्या प्रॉब्लम है आपको? मैंने डी साहब से कहा कि सर आपको कोई प्रॉब्लम है? डी साहब ने जवाब में कहा नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ड्यूकॉम साहब से मैंने कहा सर आप क्यों नहीं खोलते? हर बड़ा ऑफिसर यही बोलता है कि मैंने ऊपर जाना है, बात करनी है। सर आपसे बड़ा कौन आ सकता है इधर, यहाँ पर कौन आएगा कि जो हमारा रास्ता? क्या इतनी सी बात, एक रास्ता ही तो खोलना है, क्या ड्यूकॉम भी नहीं खोल सकता एक रास्ता? इसमें चीफ सेक्रेटरी और इसमें एलजी तक बात क्या पहुंचानी है भाई कि रास्ता खोलना है? रास्ता खोलना तो ये तो हमारा हक है। 6 महीने से 7 महीने से मड़वा वड़वन के लोग वैसे भी बंद पड़े हैं, हमारे जेबों पर इसका असर पड़ा है, हमारे हेल्थ सेक्टर पर, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पर, हमारे एजुकेशन सेक्टर पर इसका असर पड़ा है। मैंने ये सारी बातें की। अब इन्हीं सारी बातों को लेकर इन्होंने मिस इंटरप्रेट करने की कोशिश की और ये सीधी बात जो है मेरी इमेज को डिग्रेड करने की कोशिश थी, लेकिन ये न कभी कामयाब हुए और न कभी मैं इनको कामयाब होने दूंगा। क्या उस वक्त डीडीसी वाइस चेयरमैन भी मौजूद थे और क्यों स्पेशली आप ही की मीटिंग क्यों हुई, उसमें वाइस चेयरमैन क्यों नहीं थी और बाकी डीडीसी कैंडिडेट? यही सवाल मैं कहता हूं कि मीडिया को यही सवाल पूछने चाहिए थे कि आपको शेख जफर ही 14 मेंबर्स में क्यों दिखता है टारगेट करने के लिए? आपको हमेशा से अच्छा पूजा जी अंदर से बाहर आई, पहले ही जफर उन्हें याद आया। अरे सिंथन की बात करो ना, सिंथन पे क्या बोला उन्होंने? ड्यूकॉम साहब ने बोला हम यहाँ से जाके मीटिंग करेंगे, फिर वही बताएंगे आपको कल खुलेगा या नहीं खुलेगा। तो फिर आप किस लिए गई थी? फिर आप किस लिए इतना बड़ा प्रोटोकॉल लेकर बैठी हैं? अगर आपको नई चेयर होल्ड करनी आती है, आपको नहीं पता आपके प्रोटोकॉल की वैल्यू क्या है, आप कुर्सी छोड़ क्यों नहीं देते? जब आप ना अहल हैं इस कुर्सी के लिए तो छोड़ दो, क्यों ज़बरदस्ती इस डिस्ट्रिक्ट के ऊपर मसलत होना बस जस्ट बिकॉज कि मतलब आपको एक आध नंबर ऊपर आ गया, आप चेयरपर्सन बन गई, तो आप मतलब आपको काम करना होगा। फिर आप मुझे बताइए दिसंबर, वो बहुत पहले गई थी उधर सिंथन टॉप पे, बोला कि 10 दिन के बाद रोड खुलेगा, क्यों नहीं खुला फिर? आप, मैं एक मेंबर हूँ, मेरा प्रोटोकॉल आपसे बहुत नीचे है, आप अपने प्रोटोकॉल का इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं क्या? आपको ड्यूकॉम साहब ने सामने बोल दिया कि नहीं होगा, तो आप तो प्रोटोकॉलिक सिचुएशन में उनसे ऊपर है। एक बार फिर से आपकी जुबान से सुनना चाहेंगे कि किस गर्जो गाई से आपने कहा था कि मड़वा को मर्ज करना चाहिए चाइना के साथ? बहुत ही कम मैंने कहा कि इस, देखो इमोशंस को समझा करें, बात को समझाने का एक तरीका होता है। मैंने बात को इस तरह से कहा कि मैंने कहा कि सर क्या हम चाइना के लोग लगते हैं आपको? हम तो बॉर्डर, इस तरह बात थी, हम तो सर बॉर्डर पे भी नहीं पड़ते हैं, हम तो वी फॉल इन द मिडल ऑफ द यूटी। एक तरफ से हमारा कश्मीर, हमारे से कश्मीर डिवीजन स्टार्ट होता है और हमारे से ही जम्मू डिवीजन स्टार्ट होता है। और हमारे इलाके, अगर आप मड़वा वड़वन कभी आएंगे तो इतने खूबसूरत इलाके हैं सर, लेकिन टूरिज्म डेवलप कैसे होगा जब तक सड़क नहीं होगी? मैंने ये बात कही। मैंने उनको कहा कि हमारे स्कूल के बच्चों को इंटरनेट से भी महरूम रखा गया है। मैंने वहाँ कहा कि कम्युनिटी क्लासेस भी नहीं है सर, किताबें भी नहीं पहुँची अभी तक। सर ये आप IAS ऑफिसर बने इसलिए बने क्योंकि आपके पास किताबें अवेलेबल थी, हमारे बच्चे भी IAS बनना चाहते हैं, उनके पास किताबें अवेलेबल नहीं। ये बातें गलत हैं क्या? ये गलत जो प्रोपेगेंडा मेरे खिलाफ चलाया जाता है, आज आप ही के माध्यम से मैं ये कह देना चाहता हूँ कि आपकी झूठ की जो फैक्ट्री है इसको ताला लग चुका है। किश्तवाड़ की जनता आपको सही से पहचान चुकी है, आप अल्टरनेटिव नहीं है वो अब लोगों के लिए। अब लोग आपसे बहुत तंग आ चुके हैं, आप हमेशा से लोगों के जज्बात के साथ खेलते आए हैं, आपने किश्तवाड़ को ही तबाह किया है और ये किश्तवाड़ मेरा है। एक जर्नलिस्ट कहता है योर विजन माई फुट, मेरा विजन जो है ये एक मैंडेट लेकर आया हूं मैं इस वक्त, 20-25 हज़ार अवाम की नुमाइंदगी कर रहा हूं मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में। और उसी नुमाइंदे को कहता है एक जर्नलिस्ट कि योर विजन माई फुट,
और ये वो कहता है कि मतलब एक एक रिप्रेजेंटेटिव को वो इस तरह की लैंग्वेज उसके लिए यूज़ करता है। और मैं समझता हूँ कि जिस मीडिया चैनल के थ्रू वो बात कर रहा है, उस मीडिया चैनल के हेड को ये समझ लेना चाहिए कि वो उसकी ये सारी जो है उसको वापस लेना चाहिए, आई कार्ड जो उसका हो, उसके पास सर्टिफिकेट जो हो, उसको अथॉरिटी लेटर जो मिला है, उसको अथॉरिटी लेटर जो मिला है वो भी उसका सीज होना चाहिए और उसको निकाल देनी चाहिए। ही शुड बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द मीडिया हाउस। क्योंकि उसकी क्या ज़रूरत है कि आप मुझे बताएं, हमेशा से लिखते आए इम्पैक्ट, क्या इम्पैक्ट है ग्राउंड लेवल पे, आप स्टोरी एकदम से निकालते हैं, उस स्टोरी को फॉलो नहीं करेंगे, आप जर्नलिस्ट नहीं हैं। अगर स्टोरी को कोई भी जर्नलिस्ट अगर स्टोरी क्रिएट करता है फिर उसको फॉलो नहीं करता है, फिर उसका इम्पैक्ट ग्राउंड लेवल पे नहीं होता, दैट मीन्स ब्लैकमेलिंग बीच में आती है फिर। तो वही क्या हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, जितनी भी उनकी स्टोरीज आज तक गई और वो झूठ स्टोरीज चलाते हैं। आपने देखा होगा उसने कहा कि 1 जून को मतलब वो रास्ता खुल गया, आपने देखा होगा उसने रास्ता सिंथा रोड खुल गया, कहाँ सिंथा रोड खुल गया, झूठ क्यों लिखता है वो, मैं उसको सबूत दिखाऊंगा कि कहाँ पर उसने लिखा है ये। तो यही चीज़ें मैं कह रहा हूँ, इनकी हेडलाइन ही देखो हेडलाइन कैसी है। और एक जर्नलिस्ट आप आते, आप पूजा जी से भी पूछते, आप मुझसे भी पूछते, राय क्या है जफर साहब आपने क्या कहा, सीधा ही थोप देना, अपने अल्फाज मेरे मुंह में डालने की कोशिश कर रहा था वो, और वो खजल हो गया आवाम के बीच में। आज किश्तवाड़ को पता चला कि हकीकत में वो क्या चाहता है। जाहिर सी बात है मेरे पास पैसा नहीं है, क्यों चलेगा मेरे साथ, जाहिर सी बात है मेरे पास होटल नहीं है, क्यों रहेगा मेरे साथ। अब जिनके पास होटल्स हैं, गाड़ियां हैं, तो वो करें उनकी गुलामी, नहीं तो जर्नलिज्म एक ऐसा शोभा है, दिस इज़ द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। और अगर सहाफत अच्छे से होगी, यकीन जानिए किश्तवाड़ में ये ड्रेनेज सिस्टम ठीक हो जाएगा, अस्पताल ठीक हो जाएंगे, सड़कें ठीक हो जाएंगी, एक्सीडेंट्स नहीं होंगे। मड़वा की जो हालत ख़राब है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, टेलीकम्युनिकेशन नहीं है, बच्चे तालीम से महरूम है, ये नहीं रहेगा। और आज आपके माध्यम से मैं आपको भी ये कह देना चाहूँगा कि आप एक नौजवान हैं, आप एक उभरती हुई आवाज़ है, यहाँ पर सब लोग आपकी आवाज़ को लेकर अप्रिशिएट करते हैं कि वसीम बट भी कोई लड़का है जो बहुत कोशिश करता है किश्तवाड़ के मसलों को हाईलाइट करने का। मैं आपको बता रहा हूँ कि कंसिस्टेंट रहिएगा इसके साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किश्तवाड़ की डेवलपमेंट के लिए। सहाफत जब काम करना छोड़ देती है तो कहते हैं ना वो कश्मीर में शिकस्त लोग फिर सर पे सवार हो जाते हैं। आप अपना कर्तव्य निभाइए, देखिएगा किश्तवाड़ को सोने की चिड़िया से कम नहीं बनाएंगे हम किश्तवाड़ की डेवलपमेंट के लिए आए, किश्तवाड़ का मैंडेट लेकर आए। और मैंने मड़वा की आवाम का जब मैंडेट लिया उसी दिन से अभी तक मैं डिटरमिन्ड हूँ कि 5 साल के बाद मैं अपने बैंक बैलेंस भी अपने लोगों को दिखाऊंगा, प्रॉपर्टी भी दिखाऊंगा और अपना सारा कुछ साफ करके रखूंगा, सिवाय खाना पीने के और कपड़े के मेरे पास और कुछ नहीं होगा। और इन बाबुओं को देख लो, ज़मीनें जम्मू में, मकान कहीं कहीं बन रहे हैं, तो वो कहाँ से आ रहा है। और जो मैं कह रहा हूँ ये मेरे ऊपर भी इस तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं, मैं कहता हूँ कि इनको एक टीम बिठा देनी चाहिए, ये केस करनी चाहिए, ये सारी हमारे मेरे अभी तक मेरी क्या प्रॉपर्टी है उस पर देखें ये क्या है। मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का बंदा हूँ, मैं अपने घर वालों से लड़कर इस फील्ड में आया हूँ क्योंकि वो इनसिक्योर फील करते हैं मुझे लेकर। बट मैंने कहा कि नहीं, अगर सभी लोग डरेंगे तो फिर कैसे बनेंगे हमारे वो डॉक्टर और इंजीनियर, कैसे उठेगी हमारी कौम, फिर मजलूम कौम है हमारी। मड़वा वड़वन दक्षिण के हालात जो है ना वो किसी को नहीं मालूम है, इसलिए जब मैं ये इशूज़ उठाता हूँ मेहरबानी करके, ये आपकी जिम्मेदारी भी है कि आप उन इशूज़ को इसी तरह जिस तरह आप आज तक उठाते आए हैं इसी तरह उठाते रहिए। देखना मड़वा में, वड़वन में, दक्षिण में टूरिस्ट जब लोग आएंगे किश्तवाड़ का नाम रोशन होगा। मड़वा वड़वन दक्षिण इज़ द पार्ट रादर द ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़। वी ऑल आर किश्तवाड़ीज़ एंड वी विल फाइट फॉर द बेटर किश्तवाड़ एंड फॉर द बेटर टुमारो ऑफ किश्तवाड़ीज़।